हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। और गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। और आज हम फिर से खेल रहे फोर्जा होराइजन 5। और गाइस आज मैं क्या करने वाला हूँ, आज मैं अपने इस गेम में ना अलग अलग अपनी जो भी कास्ट मुझे ठीक लगेंगी जिनकी स्पीड थोड़ी ज्यादा है उनकी टॉप स्पीड कंपेयर करने वाला हूँ अपने इस पुराने वाले रनवे पर। यस गाइस, मैं अपनी जो भी 10-12 अच्छी कार्स मुझे लगती है जिनकी स्पीड थोड़ी सही होनी चाहिए बारी बारी उनको टेस्ट करूंगा उनकी टॉप स्पीड कितनी होती है और देखूंगा उसी के सेगमेंट की कार्स के साथ उनकी रेसिंग होगी तो हमें यही पता चल जाएगा कि हम जीत पाएंगे या नहीं और टॉप स्पीड भी पता चल जाएगी गाइस। और मेरे ख्याल से बट ये रनवे थोड़ा छोटा है, शायद टॉप स्पीड ना पता चले बट इस रनवे पे कितनी टॉप स्पीड में ये जरूर पता चल जाएगा। तो पहले हमने अपनी ये लैम्बोर्गिनी ले ली है, फर्स्ट कार है हमारी लैम्बोर्गिनी। लेट्स सी इसकी स्पीड कितनी होने वाली है। फर्स्ट टॉप स्पीड ऑलरेडी आ चुके हैं गाइस, फर्स्ट पोजिशन पे चल रहे हैं, बाकी सारी कार्स इतनी पीछे हैं। मुझे लग रहा है ये कार जीत तो जाएगी, कितनी स्पीड पहुंचेगी ये हमें देखना पड़ेगा। इसकी 320 हो चुकी है ऑलरेडी स्पीड और रेस फिनिश होने वाली है गाइस। 320.25 इसकी स्पीड पहुंच गई थी और इतना हमें पता चल गया कि टॉप स्पीड बिल्कुल एक कार की कितनी है वो हम नहीं कैलकुलेट कर सकते बट इस रनवे पे कितनी टॉप स्पीड तक एक कार जा सकती है ये हम जरूर देख पाएंगे यहाँ पर। चलो चलते हैं गाइस नेक्स्ट कार की तरफ। यहाँ पर मैं आपको जल्दी जल्दी दिखाने वाला हूँ गाइस एस्टन मार्टिन है हमारी नेक्स्ट कार और देखते हैं यहाँ पर क्या सारी कार साथ निकल गई। भाई ये कार भी गाइस मुझे काफ़ी सही लगती है, इसका लुक इसकी आवाज़। और गाइस धीरे धीरे हम लोग पिकअप कर रहे हैं और सारी कार को पीछे छोड़ दिया, अब हम लोग फर्स्ट आ रहे हैं। लगता है कि हम लोग जीत सकते हैं गाइस, क्या लगता है आपको। 348 की स्पीड पहुंच गई थी गाइस, उसकी काफी सही स्पीड है यार, काफी सही स्पीड है इसकी भी। और फर्स्ट तो हम इसमें भी आ गए। चलो दोनों कार की परफॉर्मेंस अच्छी रही, अब चलते हैं फटाफट वापस स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट रेस, देखते हैं कौन सी होगी। और ये है हमारी बुकाटी डीओ और इसकी परफॉर्मेंस भी अच्छी होनी चाहिए। लेट्स गो 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 सेगमेंट की गाइस, बाकी सारी कार्स हैं और मुझे लग रहा है ये भी फर्स्ट आ ही जाएगी, स्टार्टिंग में ही फर्स्ट आ गए गाइस। इससे तो बुकाटी की खैर परफॉर्मेंस अच्छी रहती है, लगता नहीं है और कोई कार आगे निकल पाएगी, सारी पीछे पीछे आ रही हैं गाइस। बहुत सही गाइस, कमॉन ने अभी तक 3 कार चला चुके हैं, तीनों की तीनों फर्स्ट आई है। अच्छी परफॉर्मेंस रही। चलो अब यहाँ से फटाफट वापस चलते हैं और देखते हैं नेक्स्ट कार कौन सी लेंगे। तो गाइस यहाँ पर मैंने नेक्स्ट कार ले ली है डॉज वाइपर। गाइस डॉज वाइपर देखने में खतरनाक लुक है इसका और देखते हैं अपने सेगमेंट में ये फर्स्ट आ पाती है कि नहीं। और देखो गाइस क्या सही लगती है ना, गजब लगती है ये वाली कार भी। थोड़ी ओल्ड टाइम की है ऐसे, बाकी कार आपको ओल्ड टाइम तरह की दिख रही होंगी बट उस टाइम पे ये कार क्या गजब लगती होगी गाइस। देखो फर्स्ट आ रहे हैं वैसे इसमें, तो देखने में तो बाकी कार्स तो ऐसे ही लग रहा था कि ये कार फर्स्ट आनी चाहिए, गजब का लुक है गाइस। उस टाइम के हिसाब से डॉज वाइपर क्या गजब लगती होगी। 262 की स्पीड पहुंची इससे, ओल्ड टाइम के हिसाब से बहुत सही स्पीड है गाइस, बहुत सही स्पीड है। और तभी तो हम फर्स्ट आए हैं यहाँ पर। तो हमारी 4 कार्स हो चुकी हैं, नेक्स्ट है हमारी ये पुरानी वाली एक फरारी है, इसका F40 है शायद इसका नाम। चलो चलते यहाँ पे फटाफट देखते हैं इसके लुक से गाइस, आपको लग रहा होगा थोड़ी पुरानी है ये कार, लेट्स सी इसकी परफॉर्मेंस कैसी रहती है। धीरे धीरे हम लोग लीड ले रहे हैं, लैम्बोर्गिनी भी है पुरानी F40 भी है। फर्स्ट हम लोग आ रहे हैं गाइस, फर्स्ट हम लोग आ रहे हैं। 338 की स्पीड पहुंच गई इसकी गाइस, ये ज्यादा पुरानी नहीं है क्या, पता नहीं, देखने में इसका लुक थोड़ा पुराना तो लग रहा है बट स्पीड उसकी काफी गजब हो गई थी गाइस। 338 काफी सही स्पीड हो गई थी। चलो कोई बात नहीं, अभी हम यहाँ से फटाफट चलेंगे और देखते हैं हमारी नेक्स्ट कार कौन सी होने वाली है गाइस, फटाफट दिखाऊंगा मैं आज आपको। ओके गाइस यहाँ पर हम आ गए हैं अपनी 4GT, इसकी आवाज बहुत सही लगती है गाइस सुनो आप।
यार गाइस क्या सही आवाज लगती है इसकी, काफी हैवी सी लगती है लेकिन इसका पिकअप कुछ कम है शायद, मुझे लग रहा है बाकी कार आगे निकलती जा रही है। गाइस हम पीछे ही है, लेट्स सी। अब ये ना जो रनवे है इसमें टॉप स्पीड हम कैच नहीं कर पाते, तो अगर किसी कार की ना टॉप स्पीड अच्छी हो और पिकअप कम हो तो वो कार इस पर हार जाती है, पिकअप अच्छा होना चाहिए। चलो हमने थोड़ी थोड़ी लीड ली ओके। और सेकंड आ गए ना मेरे ख्याल से, तो सेकंड आ गए होंगे। ओके गाइस सेकंड आ चुके हैं हम, ठीक है उसका पिकअप कम था लेकिन आखिर में हमने लीड ले ली धीरे धीरे। चलो तो अब चलते हैं यहाँ से अपनी नेक्स्ट कार की ओर, लेट्स सी कौन सी कार होगी वो। गाइस पहचाना आपने, किसी ने नहीं पहचाना होगा, ये अपनी एंटिक कार फोर्ड डीलक्स जिसको मैंने मॉडिफाई किया हुआ है। देखो गाइस इसकी आवाज से आपको लग रहा होगा एकदम ओरिजिनल नहीं है ये, इसको मैंने मॉडिफिकेशन किए हुए हैं इसलिए इतनी फास्ट चल रही है। अदरवाइज जब हमको न्यू मिली थी ना, मैंने इसे एक रेस की थी गाइस, बहुत पुरानी मतलब बहुत लंबी रेस थी, बहुत देर लगी थी इसको, वीडियो कम से कम 45-50 मिनट के आसपास का वीडियो था। देखते कितनी आप देखो 310-290 तक स्पीड पहुंची थी गाइस, और क्या प्लेस आई है हमारी, काफी पीछे थे वैसे यार हम, थर्ड पोजीशन आ गई हमारी, ये काफी सही पोजीशन आई है गाइस। अब चलते हैं यहाँ से वापस, लेट्स सी कौन सी कार है नेक्स्ट। ओके गाइस ये है हमारी नेक्स्ट कार, हेनेसी वेलोसिरैप्टर गाइस, वेलोसिरैप्टर। इसकी वीडियो भी मैंने पहले बनाई है, काफी खतरनाक इसका साइज है और बहुत ही दमदार पिकअप है गाइस, बहुत दमदार। 6x6 है ये कार, स्टार्टिंग में देखो इतनी हैवी होने के बावजूद आपने देखा होगा बाकी कार दिख रही थी कितनी ज्यादा बड़ी है बाकी से, फिर भी इतनी सबसे आगे निकल चुकी है। 323 की स्पीड गाइस इसने भी टच कर दी, कैन यू बिलीव इतनी हैवी एसयूवी, और 330 की स्पीड टच कर दी, मतलब 23 की स्पीड, बहुत सही है गाइस, क्या सही पिकअप है इसका, गजब। तो गाइस नेक्स्ट कार है हमारी Porsche 918 Spyder, और मेरे पास ये बेस्ट कार है जो अभी तक की है। इस रनवे पे कितनी स्पीड पहुंचेगी मैक्सिमम पता नहीं, बट ये 450 के अराउंड को पहुंच जाती है इसका मुझे पता है, तो मैंने आपको पहली बार देखो गाइस 350 तो ऑलरेडी क्रॉस कर चुकी है, बाकी कार भी काफी स्पीड में चल रही है गाइस। मुझे लग रहा है अभी ये कौन सी कार थी लास्ट में आगे निकल गई यार, ये वाली कौन सी कार थी भाई, लोटस एविजा 20, ये खतरनाक थी गाइस। मुझे लगता है इस कार का पिकअप थोड़ा डाउन था बट टॉप स्पीड गजब की थी, आखिर में सन्न करके साइड से निकल गई गाइस, खतरनाक थी। चलो गाइस नेक्स्ट चलते हैं, और ये है हमारी एक और एस्टन मार्टिन, इसकी स्पीड भी सही होगी, लेट्स सी कैसी परफॉर्मेंस देती है। गो गो रेड वाली कौन सी है भाई, साइड में बड़ी सही लग रही है। ओके इसमें भी हम पीछे, मुझे लग रहा है धीरे धीरे हमारा पिकअप बन रहा है, लीड तो ले रहे हैं आधी तो। ओके गाइस लग रहा है फर्स्ट टाइम की, वो भाई इसकी वजह देखो गाइस सही स्पीड है ना, लुक भी गाइस इसका ना काफी दमदार है, मुझे लग रहा है इसका मैं स्किन चेंज करूंगा ना मस्त रहेगी, और मुझे लग रहा है हम फर्स्ट आ गए हैं यहाँ पे वैसे, लेट्स सी। यस गाइस फर्स्ट आ गए, काफी सारी कार से हम फर्स्ट टाइम, बस एक दो कार ही रह गई है, और सबसे बड़ी दुख की बात है गाइस हमारी बेस्ट कार Porsche वो सेकंड आई, सिर्फ एक लोटस पता नहीं कैसे एंड टाइम पे आगे निकली। चलो एनीवेज, और ये हमारी है द मोस्ट हैंडसम कार इन Forza गाइस, सुप्रा विद ग्रेट स्किन ग्रेट बॉडी किट ग्रेट स्पॉइलर, क्या लग रही है गाइस देखो, गजब लगती है गाइस गजब। हालांकि जो मेरे Porsche की जो स्किन है वो भी इससे थोड़ा बहुत कॉम्बिनेशन मैच करता है, पर इसकी काफी ज्यादा अच्छी है, जो बॉडी किट है ना वो बहुत सही लुक देता है इसे। चलो मुझे लग रहा है गाइस ये हमारी इज्जत रखेगी, हम फर्स्ट आएंगे, हालांकि इसकी टॉप स्पीड इतनी ज्यादा नहीं लग रही है, 303 पहुंची है गाइस इसकी टॉप स्पीड, Porsche की 400 प्लस पहुंच गई थी, वैसे तो उसकी 450 प्लस है, पर हम इस सेगमेंट में आ गए हैं फर्स्ट। गाइस गजब का देखो गाइस ये ना कार का जो लुक है ना यार,
सुपरा का मैं आपको पता नहीं, मैं शायद आपको पहले भी कई बार दिखा चुका हूँ, जब भी चलाता हूँ क्या गजब लगती है यार, क्या सही लुक है इसका, बहुत ही ज्यादा गजब लुक है गाइस, मन करता है इसको देखता रहूं, क्या सही लगती है यार। चलो एनीवेज गाइस, यहीं पर हम करते हैं अपना वीडियो बंद। जो है मैंने अपनी कार बाकी सर्च करी बट कोई ऐसी कार लगी नहीं जो मुझे लगता है कि स्पीड चलेगी, उसकी स्पीड चेक करने की जरूरत है, बाकी कार थोड़ी नॉर्मल है। तो हमने अपनी बढ़िया बढ़िया कार्स आपको टेस्ट करके दिखा दी गाइज, आपको कैसा लगा प्लीज जरूर बताना इन द कमेंट्स, एंड कुछ गलती हुई तो माफ कर देना गाइज, एंड प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक माई वीडियो। थैंक गाइज, टेक केयर, बाय।